अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको लहसुन छीलने के आसान तरीके बताऊंगी। मैं आज आपको तीन नए तरीके बताने वाली हूँ जिसे आप लहसुन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रख सकते हो। आपको इन तीन तरीकों से कौन सा तरीका बेस्ट लगा तो आप ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, इस लहसुन को हाथों की मदद से एक एक करके अलग करना है। तो देखिए सारे लहसुन को हमने अलग कर लिया है। इसके हल्के हल्के छिलके हैं, उनको हमें हाथ से चुन करके हटा लेना है क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। एक बाउल में गर्म पानी लेना है, इतना लेना है हमें, हाथ डाले तो जले नहीं। इसमें हम आधी चम्मच बेकिंग सोडा, खाने का सोडा डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस लहसुन की कलियां को हमें पानी में डाल देना है। इसे पानी में 2 मिनट के लिए रहने देंगे ताकि इसके छिलके नरम हो जाए। 2 मिनट हो चुकी है, अब इसके छिलके नरम हो चुके हैं। देखिए कितनी जल्दी लहसुन के छिलके निकल गए हैं। इस तरह से एक एक करके सारे लहसुन तैयार हो जाएंगे। ज्यादा टाइम भी नहीं जाता है और फटाफट हो जाते हैं। आप ये मेरा तरीका जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। एक प्लेट में हमने लहसुन की कलियां को ले लिया है। इस लहसुन को हमें तवे पर धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए रखना है, गैस बहुत हाई नहीं रखना है। 2 मिनट के लिए लगातार मिलाते रहना है। ऊपर की लेयर को हल्का सा गर्म करना है, इसके छिलके क्रिस्पी हो जाए और इजीली निकल जाए। 2 मिनट हो चुकी है, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसे थोड़े से ठंडा होने देंगे। थोड़े से लहसुन हमें हथेली पर लेना है और हल्के हाथों से हमें मसलना है जिससे छिलके आसानी से निकल जाए। ये तरीका भी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप बताने वाली हूँ जो मैं बार बार यूज करती हूँ। जो ऊपर वाला गर्द वाला हिस्सा है वो चाकू की मदद से निकाल लेना है। इसमें मेहनत बिल्कुल ही नहीं लगती। इस तरीके से बहुत सारे लहसुन के छिलके निकाल लेंगे। सही तरीका लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।